इस सामने आप देख सकते हो यहाँ पे डुमरियागंज का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। कैसे हो आप लोग यार। और आज गाइज हम लोग चल रहे हैं डुमरियागंज, और गाइज इस समय मैं खड़ा हूँ औरताल में, और ये जो मेरे पीछे ये रोड इस पे मैं चल रहा हूँ, ये है बांसी डुमरियागंज वाला रोड, और यहाँ हम चल रहे हैं औरताल से डुमरियागंज के लिए, और यहाँ से 9 किलोमीटर है। यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है और ये देख सकते हो इस पे पूरे सभी घास फूस आ गए हैं, और इसको हटा के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डुमरियागंज 9 किलोमीटर लिखा हुआ है और सोनाटी 6 किलोमीटर है, और ये एक इसका बोर्ड का नंबर है यहाँ पे। तो गाइज इस बोर्ड को जो है पूरे घास फूक ये ढक गए हैं, और अगर कोई जाके देखना चाहता है भैया कि इतना भी कितना किलोमीटर है, तो पहले जाके उसको घास को हटाना पड़ेगा, उसके बाद दिखेगा कि कितना किलोमीटर है जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो गाइज ये देख सकते हो ये जो मेरा हेलमेट है एक्चुअली ये टूट चुका है, और ये गिर गया था इसकी वजह से टूट गया है, और इसके जो सभी पार्ट्स वगैरह हैं वो सब अलग अलग हो गए हैं। ये हेलमेट का पार्ट वैसे भी देख सकते हो, पहले ही मैंने फेविक्विक से जोड़ उड़ के यहाँ पर लगाया हुआ था, बट एक्चुअली चल नहीं पाया और ये टूट के यहाँ से इसका निकल गया। तो यार क्या है ना कि एक्चुअली आजकल नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना नुकसान तो चलता रहता है। तो चलते हैं अब डुमरियागंज। गाइस यहाँ पे एक नया पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो गाइज मैं पहुंच गया था सोनाटी चौराहे पे, और सोनाटी चौराहे से गाइज आपको रुधौली वगैरह जाना है, तो आपको रुधौली यहीं से एक रास्ता कटा हुआ है, रेड सा भारत द्वार लिखा हुआ है, एक नया गेट बना हुआ है यहाँ पीछे से, और इस पीछे से आप जा सकते हो गाइज, और एक लाल कलर का गेट यहाँ पे भी है गाइज, यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ देख सकते हो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जा रही है, और गाइज ये देख सकते हो आप यहाँ भी है एक रास्ता है, यहाँ चाचा जा रहे हैं, और ये जो नहर है यहाँ पे सोनाटी में, इसके यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ पे पोखरा वोखरा अगर किसी को गांव जाना है तो ऐसे जा सकता है, और हमें डुमरियागंज जाना है तो हमें सीधे ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस समय एंट्री कर चुके हैं बैदौला चौराहे पे, और बैदौला चौराहा जो डुमरियागंज के जस्ट सटा हुआ ही है, और ये देख सकते हैं पीछे मेरी दुकानें उकानें काफ़ी हैं, और ये जो रास्ता है पीछे बैदौला चौराहा है यहाँ पे ये, तो चलते हैं हम इसके आगे देखते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया था बैदौला चौराहे पे, और ये देख सकते हो ये नया गेट ये जो बना हुआ है ये नया गेट है, और इसके जस्ट अगर हम दक्षिण साइड में जाएंगे तो भीमा चौराहा और बस्ती के लिए में जाएंगे, अगर हमें जाना है इटवा चौराहे या फिर नेपाल साइड में तो हम इस साइड से घूम के होते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नया गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे बुद्ध भगवान की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और इसके जस्ट इस साइड में देव चौराहा और बस्ती के लिए रोड जाता है ये वाला जो, और अगर हम उत्तर साइड में जाएंगे तो यहाँ डुमरियागंज जाएंगे और नेपाल साइड के लिए जाएंगे हम, और ये रोड यहाँ से इस साइड में भी घूमा हुआ है, एक्चुअली हम यहाँ से भी घूम सकते हैं। तो गाइज अभी मैं बैदौला रास्ते से निकल के थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और ये जो है जगह यहाँ पे अभी ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था योगी जी का जब यहाँ पे सीएम साहब आए थे, और यहाँ पे भी काम भी चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और मेरे पीछे जो साजिदा हॉस्पिटल है यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है गाइज, यहाँ पे साजिदा हॉस्पिटल बन रहा है, और अगर हमें बंधन मैरिज हॉल जाना है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों हम पहुँच गए हैं बंधन मैरिज हॉल पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक लगा हुआ है बंधन मैरिज हॉल का, और पीछे ये जो है ये बंधन मैरिज हॉल है, ये देख सकते हो आप ये बंधन मैरिज हॉल है, और अभी ये कुछ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे घास वास उग गए हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ बंधन मैरिज हॉल। चलते हैं इसके आगे देखते हैं डुमरियागंज का सीन क्या सीन है। फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं डुमरियागंज में, और मेरे सामने आप देख सकते हो यहाँ पे डुमरियागंज का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ डुमरियागंज, और इसके
सामने जो है ये पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान का। एक्चुअली यहाँ से मैं भी पेट्रोल लेता हूँ और पेट्रोल की क्वालिटी जो है इस पेट्रोल पंप की बहुत अच्छी है। सो गाइस अगर हम थोड़ा सा आगे आएंगे पेट्रोल पंप से तो यहाँ पे नर्सरी मिलेगी। एक्चुअली यहाँ पे पेड़ पौधा अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जिस पेट्रोल के पंप के सामने ही है भारत पेट्रोलियम के। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज करके, और ये एक इंटर कॉलेज है और अभी इसके अंदर हम चल रहे हैं। सो गाइस ये है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो है और इसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। एक्चुअली यहाँ पे एक बार योगी जी आए हुए थे और ये इसी ग्राउंड में, और बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। सो गाइस ये है राजकीय कृषि बीज भंडार और यहाँ पे जो है आई थिंक कि सीड्स वगैरह मिल सकते हैं। पिछले ब्लॉग में किसी ने पूछा था कि डुमरियागंज में पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो भाई गाइस मैं बता दूँ कि देखो पोस्ट ऑफिस मेरे पीछे जस्ट है यहाँ पे और पोस्ट ऑफिस के बगल में हीरो की एजेंसी आप देख सकते हो। पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में ये हीरो की एजेंसी है और ये सामने है मेरे पोस्ट ऑफिस, ये है। और गाइस ये देख सकते हो इंडियन पोस्ट है, ये पोस्ट ऑफिस है गाइस। और ये पोस्ट मास्टर देखो लिखा सकता है। और गाइस हीरो के सर्विस सेंटर से थोड़ा सा आगे आते हैं डुमरियागंज में, यहाँ पे देख सकते हो एक चौक है और ये स्वामी विवेकानंद जी का चौक है यहाँ पे, और देख सकते हो लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद चौक और राघवेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। गाइस इसके सामने तो देख सकते हो एक मंदिर है यहाँ पे और इसके बगल में एक रास्ता घुमा हुआ है यहाँ पे बिखरिया जाने के लिए नदी पे, या फिर सीओ ऑफिस किसी को जाना है तो ये यहाँ से ऐसे जा सकता है। और अंदर गाइस ये और भी रास्ता यहाँ पे गया हुआ है और एक यहाँ आगे रास्ता गया है, ये जाएगा बढ़नी के लिए जो रास्ता ये आगे से जाएगा। और गाइस यहाँ से आते समय यहाँ पे आप देख सकते हो एक चौक और बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, यहाँ पे लगा हुआ है ये चौक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और इसके सामने अगर आप जाओगे तो सीओ ऑफिस यहाँ पे पड़ेगी, तो अभी मैं सीओ ऑफिस पे लेके चल रहा हूँ। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं सीओ ऑफिस पे और ये देख सकते हो सीओ कार्यालय उप जिला अधीक्षक लिखा हुआ है। और इसके अंदर अभी आप जब जाओगे तो यहाँ पे सीओ ऑफिस पड़ेगी यहाँ पे। पीछे सीओ ऑफिस से मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ गाइस, और अभी मैं आ गया हूँ रणजीत सिंह चौक पे। ये यहाँ पे रणजीत सिंह चौक है और ये मंदिर के जस्ट सामने पीछे देख सकते हो मेरे मंदिर है। और गाइस अगर आपको रोडवेज पे जाना है डुमरियागंज रोडवेज पे, तो यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा मंदिर से, यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर है, ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा नदी के साइड चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हम पहुंचने वाले हैं राप्ती नदी पे और ये देख सकते हो राप्ती नदी पे पहुंच गए हैं लगभग ये। और इसके जस्ट बगल में है एक आदर्श मंगल भवन डुमरियागंज ग्राम पंचायत, पता नहीं ये क्या चीज़ है। एक्चुअली किसी को पता हो कि ये क्या चीज़ है, मैरिज हॉल है। और एक्चुअली वहाँ चौराहे पे बहुत ज़्यादा शोरगुल था इसलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो अभी मैं हूँ डुमरियागंज राप्ती नदी पे और ये पीछे आप देख सकते हो ये शमशान घाट है शायद। और एक्चुअली वहाँ जो पीछे मैं आपको दिखा रहा था वो है मंगल भवन है, शायद नगर पालिका का है या मैरिज हॉल है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी ये शायद शमशान घाट टाइप का लग रहा है मुझे। यहाँ पर लकड़ियों वकड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चल रहा हूँ आगे और यहाँ पे बहुत बड़ा एक भवन टाइप सा बना हुआ है। और आगे ये नदी है, ये डुमरियागंज राप्ती वाली नदी, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली ये गाइस। और ये नदी आप देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे एक एक्चुअली गेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइस ये था, ये शमशान घाट है और एक दिन सबको शायद यहीं पर आना है, मतलब शायद क्या आना ही है सबको, मुझे भी आना है। तो गाइज आज ये था डुमरियागंज का ब्लॉग जो है, का ब्लॉग अभी हो चुका है और अभी इसके बगल में मैं दिखाने वाला हूँ कुछ सब्जी मंडी जो है सहियापुर में कहाँ पे है। तो गाइज यहाँ से राप्ती नदी से लगभग आधा किलोमीटर दूर जो है, अभी हम पीछे चल रहे हैं और वहाँ पे सब्जी मंडी है सहियापुर में, तो चलते हैं सब्जी मंडी दिखाते हैं कैसा है।
अभी हम चल रहे हैं सहियापुर मंडी। सो गाइज हम पहुंच गए हैं सहियापुर सब्जी मंडी में, और ये देख सकते हो ये नवीन सब्जी मंडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से जो है सब्जी वब्जी लिया जा सकता है अगर किसी को ज़रूरत है। तो गाइज आज ये था डुमरियागंज का ब्लॉग जो है, और इसमें मैंने आपको दिखाया सी ऑफिस दिखाया और स्वामी विवेकानंद चौक, महाराज रणजीत सिंह चौक और पोस्ट ऑफिस, यही सब मैंने दिखाया इस ब्लॉग में आपको सी ऑफिस। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना। एक्चुअली आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ, और रोज़ भी मैं थक जाता हूँ पता नहीं क्यों, और हाथ दर्द करने लगता है फ़ोन को पकड़े पकड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, और शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।